अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा खास आप लोगों के लिए देखे फिश कटलेट लेकर आए। इतने अच्छे और बेहतरीन बनते हैं ये भी, आप लोग इसे भी जरूर बनाइए खाइए और हाँ अपनी फैमिली को जरूर खिलाइए। बताना जरूर मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगती है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज की नई सी नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। चलिए इसका बनाने का इजी और आसान तरीका बताते हैं। फिश कटलेट बनाने के लिए देखिए मैं ले रही हूँ छोटे छोटे साइज के, मेरे पास ये आलू है जिसे मैंने उबाल कर रेडी रख लिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए मेरे पास चार आलू है मीडियम साइज के। पहले मैं इसमें मिलाने के मसाले बता दूं, मैं थोड़ा सा इसमें मिला रही हूँ, पाँच चम्मच नमक। नमक देख के मिला लीजिए, ज़्यादा मत मिलाइए। और इसमें जाने वाला है हरा धनिया और पुदीना पूरा 1 कप, और साथ में मैं डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी आलू को मसलते हुए, इसे मिलाकर मैं एक साइड रख दूंगी। देखिए आलूओं को मैंने बहुत अच्छे से फोड़ दिया है। अच्छे से फोड़ना और इसे अच्छे से मसलना जरूरी है क्योंकि कटलेट बनाते वक्त बहुत इजी और आसानी से बन जाते हैं। फिश में भी नमक मिलने वाला है इसीलिए आलू में देखकर मिलाइए। इसमें 1/2 चम्मच, उसमें 1/2 चम्मच नमक, पूरा 1 चम्मच नमक मिल रहा है देखिए। चलिए ये मिलकर रेडी है, मैं इसे एक साइड पर रख दूंगी। ये देख सकते हैं ये फिश है, इसमें जरे भी कांटे नहीं हैं। और ये देख सकते हैं इसमें जो मसाले मिलने वाले हैं, ये फिश मसाला है 1 चम्मच, 5 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये 1/2 चम्मच नमक है। इसमें से 1/2 चम्मच मैंने आलू में ऐड कर दिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले मैं फिश में मिला लूँगी। खेमा कटलेट और चिकन कटलेट हर चीज़ मेरे वीडियोस अपलोड है, प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें मसालों में बहुत अच्छे से ये जो मसाले हैं फिश में मिला लूँगी। 1 मिनट तक मैं इसे रख दूँगी अच्छे से मिलाकर। देखिए सारे मसाले मैंने फिश में बहुत अच्छे से मिला दिए हैं। एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, 1 मिनट हो गया है, मच्छी को मैंने भिगा के रखकर, ये देख सकते हैं मैं इसमें एक एक पीस रख रही हूँ। धीमी आंच पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आपकी फैमिली के हिसाब से आपको जितने बनाना है आप बना सकते हैं। इसे मैं धीमी आंच पर फ्राई करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने इसे पलट दिया है, देखिए अच्छे अच्छे से ये फ्राई हो रही है। दोनों साइड इसे अच्छे से पलटते हुए इसे फ्राई करना है, इस तरीके से हमें मिलाते जाना है ताकि जो तेल है सारा तेल फिश में अच्छे से मिलना है। ये देख सकते हैं मैं ले रही हूँ 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, आप चाहे तो मैदे में भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं नमक मिला रही हूँ कॉर्नफ्लावर में, थोड़ा पानी से मैं इसका घोल बना लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बस इसका घोल बना लेना है इस तरीके से। इसमें ज़रे भी लम्स नहीं रहने हैं और ये ज़्यादा पतला नहीं रहना है, ये गाढ़ा रहना है, ये बात का ख्याल रखिए। ये देख सकते हैं फिश रेडी है दोनों साइड से बहुत अच्छे से, जैसे मैंने इसे फ्राई कर दिया है देख सकते हैं आप, अच्छे से पलटते हुए मैंने इसे फ्राई किया है। देखो दो साइड देखिए अच्छे से पक गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मसल लूंगी। ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें बनाने वाली हूँ, ये देखिए फिश को मैंने कितना अच्छे से, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही थोड़ा सा तोड़ लेना है। अब ये जो आलू है, चलिए मैं इसमें कटलेट बनाना शुरू करती हूँ। आप चाहे तो आलू में ही सारी फिश मिलाकर भी वैसे भी बना सकते हैं, मगर मैं ऐसे बनाती हूँ देखिए इस तरीके के। ये देखिए अब मैं इसमें ये जो
फिश है, ये ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, अब इसे मैं ये जो कॉर्नफ्लावर वाला जो मैंने घोल बना के रखा है उसमें मैं से डिप करके फ्राई करूंगी। ये देखिए मैंने पैन में तेल डाल दिया है 1 चम्मच, देख सकते हैं आप, ज्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच डालिए, बड़े चम्मच से 1/2 चम्मच डालिए, अगर छोटे चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालिए। ये देखिए मैं इसमें इसे करके इस तरह से फ्राई करूंगी, सारे मैं इसी तरह से बनाते जाऊंगी और फ्राई करते जाऊंगी। एक और मैं आपको बनाकर बता रही हूँ, खाते समय गर्मा गर्म बना लीजिए और खाइए, बस खाते समय फ्राई करिए। ये बना के ऑलरेडी आप रख सकते हैं फ्रिज में, बस खाते समय इसे फ्रिज से निकाल लीजिए, बस पैन पे डालिए और गर्मा गर्म फ्राई करिए और खाइए। ये देख सकते हैं मजे में बहुत बेहतरीन होते हैं ये। चलिए इसे भी मैं इस तरह से इसमें डिप करूंगी और फ्राई कर दूंगी, सारे में इसी तरह से करते जाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, मैं इसे टर्न कर रही हूँ, बहुत अच्छे से देखिए ये फ्राई हो रहे हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम स्पीड कर दिया है, तो देखिए अब ऐसे पलट रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे फ्राई करने वाली हूँ। दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूंगी, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं ये। ये देख सकते हैं आप फिश कटलेट रेडी है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए खाइए, और हाँ बताना जरूर मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।